आवाज आ रही है प्रॉपर सबको? हाँ इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि भाई जावा है जो, उसको कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में, और उसका पाथ सेट करना है, और फर्स्ट प्रोग्राम आपका कैसे रन होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे सर्च करो सिंपली JDK डाउनलोड। ठीक है, JDK डाउनलोड करोगे, फिर ये ऑप्शन सर्च करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, जावा SC डेवलपमेंट किट 16, इस पे क्लिक कर दो। इसमें देखो नीचे, यहाँ पर इसने अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, लाइनक्स के लिए है आपका, 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए, फिर नीचे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। मैक आपका एप्पल के जो लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर वो है आपके पास तो आप इनमें से ऑप्शन चूज करोगे आपका। अगर विंडो है, विंडो 64 बिट के लिए आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज करोगे, 32 बिट है अगर आपकी विंडो तो आप ये सेकंड लास्ट ऑप्शन चूज करोगे, इस पर क्लिक कर देना, ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। जैसे कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हो, जब उस डबल क्लिक करके वो नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन मांगता है, कहीं पर वो आपसे परमिशन भी मांगता है चेक टिक करके, है ना, तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, आप सी ड्राइव के अंदर जाओ। सी के अंदर यहाँ पर आपको प्रोग्राम फाइल्स के नाम से ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जब जावा आपने इंस्टॉल कर दी है तो यहाँ पर एक जावा नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें जाओ, देखो यहाँ पर JDK इंस्टॉल हो चुका है, मैंने JRE भी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन और है, लेकिन जब आप सिर्फ JDK इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ये JDK वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, अब आपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाना है। अब जो दिस PC है यहाँ पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ जाएगा, सर कुछ भी विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है, यस सर, सिर्फ आवाज आ रही है आपकी, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। वाइट स्क्रीन है सर बस, और कर्सर दिख रहा है कभी कभी। अब आ गई सर। चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ब्राउजर अभी दिख रहा है आपको ये स्क्रीन, गूगल क्रोम? यस सर। देखो शुरू में आपने क्या करना है, JDK डाउनलोड सर्च कर देना गूगल पे। ठीक है, और उसके बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है जावा SC डेवलपमेंट किट 16 डाउनलोड, इस पर क्लिक करो और इसमें नीचे आ जाओ। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे JDK के, कुछ आपके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, कुछ मैक के लिए है, कुछ विंडो के लिए है ना, और 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए अलग आता है सॉफ्टवेयर, और 64 बिट के लिए अलग आता है। तो शुरू में ये सारे आपके लाइनक्स वाले हैं, फिर मैक, मैक होता है आपका जो एप्पल के जो सिस्टम होते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर, उनमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये दो ऑप्शन उसके लिए है। फिर है विंडो के लिए,
विंडो 64 और 64 कंप्रेस्ड, ये लास्ट वाला है आपका 64 बिट विंडो के लिए, और सेकंड लास्ट है आपका 32 बिट विंडो के लिए। जौन सा भी आपका सिस्टम है जिसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये डाउनलोड कर लेना है। इसके डाउनलोड होने के बाद जैसे कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो नेक्स्ट नेक्स्ट करके, बीच में कहीं पर वो आपसे परमिशन मांगेगा कि भी आप टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते हो या नहीं, तो वो एक्सेप्ट करके इसको इंस्टॉल कर लो। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, अपने सिस्टम की सी ड्राइव के अंदर आना है। सी ड्राइव के अंदर आपको यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स नाम से ऑप्शन मिलेगा, है ना, और इस प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर एक जावा नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जैसे ही आप JDK इंस्टॉल करोगे। अब जावा के अंदर जाओ, अब JDK जो ये आपका वर्जन है ये इस नाम से यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मैंने JRE भी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास ये दो एक्स्ट्रा ऑप्शन आए हुए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपने इस फोल्डर को ओपन करके रखो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है, DSPC पे क्लिक करो, राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज में जाओ, ठीक है। यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स है, दिख रहा है सबको? यस सर। इस पे क्लिक करो और यहाँ नीचे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नाम से ऑप्शन है, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल। अब आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ये आपके एक बॉक्स ओपन होगा, इसमें यहां पर न्यू पे क्लिक करो, ठीक है। न्यू पे क्लिक करोगे तो यहां पर दो चीज पूछेगा आपसे, वेरिएबल नेम और वेरिएबल वैल्यू, ठीक। वेरिएबल नेम में आपने डालना है java_home इस टाइप से, ठीक है। और वेरिएबल वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी जहां पर आपकी JDK इंस्टॉल हुआ है, इसको ओपन कर लो, ठीक है। और ये जो पाथ है इसको कॉपी कर लो, ये दिख रहा ऊपर पाथ सबको, विजिबल है सबको? यस सर। इसको कॉपी कर लेना आपने और वेरिएबल वैल्यू के अंदर यहां पर पेस्ट कर दो सिंपली, और इसको ओके कर दो। मैंने ये पहले यहाँ पर सेट किया हुआ है इसलिए मैं ओके नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने करना यही है। वेरिएबल नेम में डाल दो java_home और इसमें डाल दिया आपने इसका पाथ JDK का और ओके कर दिया, ठीक है। ओके करते ही आपके यहाँ पर java_home इस टाइप से लिखा जाएगा, दिख रहा सबको? यस सर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक पाथ नाम से ऑप्शन होगा, ये इस टाइप से पाथ, इस पे क्लिक करो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर एक नई एंट्री मांगेगा, ये नई एंट्री में क्या करना है, ये वाली चीज जो मैंने अभी हाईलाइट की है ये एज इट इज लिख देनी है, %java_home %bin, ये आपने एज इट इज लिख देनी है और इसको ओके कर देना है। मैंने पहले लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने दोबारा इसकी एंट्री नहीं करी, लेकिन आपने ये एज इट इज लिख देना और इसको ओके कर दो और दोबारा ओके कर दो, ये आपका पाथ सेट हो गया। अब ये तो थी बात विंडो 10 के अंदर, जो विंडो 32 बिट है, विंडो 32 बिट लगा लो या फिर 64 भी हो लेकिन विंडो 7 हो, उसके अंदर क्या है,
उसमें जब आप एनवायरमेंट वेरिएबल पर क्लिक करोगे ना, उसके अंदर ये चीज नहीं मांगता वो, उसके अंदर सिर्फ ये पाथ नाम से चीज दी मिलेगी। आपने क्या करना है इसमें, इसको सिलेक्ट करो और एडिट। इसमें तो अलग अलग लाइन के अंदर आपको ये पाथ दिख रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा विंडो 7 में एक ही लाइन के अंदर दिखता सब कुछ। और आपने क्या करना है, जितनी जो भी एंट्री उसके अंदर है उसको नहीं छेड़ना, उसमें सेमी कॉलम लगाओ और जो पाथ वहां से कॉपी करोगे, पाथ कॉपी करना है आपने इस बीन का, ये वाला पाथ, उसके विंडो 7 की बता रहा हूं मैं अभी, ये वाला पाथ कॉपी करना है आपने और सेमी कॉलम लगा के उसको पेस्ट कर देना है और ओके ओके, दो बार ओके मांगेगा वो, आपने दो बार ओके कर दिया, बस आपका पाथ सेट हो गया। विंडो 10 का मैंने बता दिया है प्रैक्टिकल, और विंडो 7 में आपने खुद करके देखना है क्योंकि मेरे पास विंडो 7 नहीं है। किसी को दिक्कत आए बता देना, अपने लैब में विंडो 7 है तो लैब में इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम भी हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस उसके लिए, ठीक है। अब इसको बंद कर दो। अब आपने अपनी तरफ से तो पाथ सेट कर दिया, अब ये भी देखना कि जो पाथ आपने सेट किया है वो सही सेट हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो उसके लिए क्या करो, सर्च में क्लिक करो, CMD लिख दो और एंटर। CMD एंटर करते ही ये एक ब्लैक स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी, दिख रही है सबको? यस सर। अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है, जावा, और एंटर कर दो। जावा लिखो और एंटर। देखो ये कुछ ओपन हो गया आपके सामने, देखो ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं इसने, -version, -100 version, JRE restrict search, ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं इसने। ये कह रहा है कि अगर आपने इनमें से कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ये वाली कमांड यूज कर लो। और अगर जावा आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो यहाँ पर एरर मैसेज दे देगा, ये सारी चीजें लिखी हुई नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे मैंने अगर चेक करना कि भाई मेरे जो जावा जो इंस्टॉल्ड है उसका वर्जन क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं java-version ये सर्च करूँगा और मैं एंटर मारूंगा। अब देखो जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे सामने ये चीज आ गई, एक सेकंड, देखो यहाँ पर इसने वर्जन लिखा आ गया अपना कि भाई आप जो आपने JDK इंस्टॉल करी हुई है उसका जो वर्जन है वो क्या है, वो यहाँ पर इसने डिस्प्ले कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने जो जावा है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुकी है सिस्टम में। ये चीज सबको समझ में आई, कैसे जावा इंस्टॉल करोगे और कैसे उसका पाथ सेट करोगे, चेक करोगे कि भाई जावा इंस्टॉल हो चुकी है और पाथ सेट कर दिया है आपने प्रॉपरली। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। सर प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ पूरा डाउनलोडिंग प्रोसेस। देखो इसमें याद करने का कुछ नहीं है, अगर आपने जैसे ये जो पाथ सेट करना है आपने ये वीडियो दोबारा चला लेनी है जब अपने सिस्टम पे करो, ठीक है। और जो जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वो स्टेप फॉलो कर देना, आपका पाथ सेट हो जाएगा। एक बार अपने हाथ से करके देखोगे तो हो जाएगा क्लियर, अपने हाथ से करके देख लेना एक बार। अब हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे, उसके लिए क्या करो, नोटपैड ओपन कर लो। मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है, मैं ये ओपन कर रहा हूँ, आपके पास जो है वो आप ओपन कर लेना। सपोज मैं लिखता हूँ क्लास मैंने क्रिएट करी है एक सैंपल नाम से, और मैं इसके अंदर मेन क्रिएट करता हूँ,
ये हमने एक प्रोग्राम बना दिया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको डी ड्राइव के अंदर जावा नाम से फोल्डर है, मैं इसके अंदर इसको सेव कर लेता हूँ। इसका नाम हम देंगे सैंपल, जो क्लास का नाम होगा उसी नाम से मैं इसको सेव करूँगा, डॉट जावा, ठीक है। हमने डी ड्राइव के अंदर इसको सेव कर दिया सैंपल डॉट जावा से। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, डी ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर है, इसके अंदर ये क्लास अपनी ये फाइल है जो जावा की, ये क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने इसको कंपाइल करना है। कंपाइल कैसे करेंगे हम? कंपाइल के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। अब जो करंट अपना जो लोकेशन है, करंट अपनी जो लोकेशन है वो है सी ड्राइव के अंदर यूजर, और जिस भी नाम से अपना सिस्टम है वो नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमने प्रोग्राम कहाँ इंस्टॉल किया अपना, सॉरी इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, सेव किया है, सेव किया है हमने डी के अंदर जावा नाम से जो फोल्डर है उसमें। तो इसका मतलब है कि भी हमने जो प्रोग्राम कंपाइल करना है तो पहले हमें इस फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा। इस फोल्डर के अंदर कैसे आओगे? वो आओगे आप कमांड से। सबसे पहले हमें डी के अंदर आना पड़ेगा, तो डी के अंदर आना है तो उसके लिए क्या करो, डी लिखो और उसके बाद कोलन, दिखाई दे रहा है, डी और कोलन। यस सर। और एंटर कर दो। अब देखो आप आगे हो डी के अंदर, लोकेशन चेंज होगी ना आपकी। अब आपने क्या करना है, जावा के अंदर जाना है, क्योंकि डी के अंदर अपना एक फोल्डर है जावा, तो उसके लिए कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी की सी डी, सी डी लिखो और जे लिख दो। जे लिखने के बाद आप टैब दबा दो। जो भी यहाँ पर आपके पास फोल्डर होंगे जे नाम से स्टार्टिंग के, वो सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर मैं यहाँ पर पी लिखता हूँ, पी लिख के मैं टैब दबाता हूँ, देखो पी एच डी वर्क नाम से फोल्डर आ गया, एक एक प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर आ गया, ये दो फोल्डर है मेरे पास पी से। तो ये दोनों फोल्डर टैब दबाते रहो, ये आपको दिखाता रहेगा, जो सब आपने सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो। लेकिन हमने जाना है जावा के अंदर, जे एंटर करो और उसके बाद टैब दबा दो, ये अपने आप पूरा जावा लिख देगा, ठीक है। अब आपने एंटर प्रेस कर देना है। देखो अब आप आ गए हो डी के अंदर जावा, लोकेशन करंट जो आपकी जो डायरेक्टरी है जहां पर आपने प्रोग्राम सेव किया है उस लोकेशन पे कैसे जाओगे, वो समझ में आया? यस सर। अब आपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए कमांड है आपकी जावा सी, उसके बाद सैंपल डॉट जावा। देखो मैंने सिर्फ एस लिखा था और एस लिख के मैंने यहाँ पर टैब दबा दिया, तो इसने ऑटोमेटिकली पूरा नाम लिख दिया यहाँ पर। देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ, मैंने एस एंटर किया और टैब दबाऊंगा। अब मैं टैब दबाते ये पूरा लिख दिया सैंपल डॉट जावा, इसने ऑटोमेटिकली रीड कर ली फाइल उस डायरेक्टरी में कौन कौन सी है एस से स्टार्ट होने वाली। अगर मैं दोबारा टैब दबाऊंगा तो नेक्स्ट जो एस से स्टार्ट होने वाली फाइल है वो दिखा देगा, लेकिन अपने पास एक ही फाइल है तो यहाँ पर एक ही दिखाई इसने। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा कंपाइल करने के लिए। देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट हो गई है, ये दिखी आपको सैंपल डॉट क्लास, ये पहले नहीं थी। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया। देखो अभी यहाँ पर सिर्फ एक फाइल है सैंपल डॉट जावा। मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। अब देखो जावा सी सैंपल डॉट जावा, मैं दोबारा कंपाइल करूँगा इसको, ध्यान देना ऊपर यहाँ पर फोल्डर के अंदर ध्यान देना, डी के जावा के अंदर जो मैं यहाँ पर अभी कर्सर घुमा रहा हूँ। मैं एंटर करता हूँ अब, देखो सैंपल डॉट क्लास ये क्रिएट हो गई आपकी फाइल कंपाइल होते ही, समझ में आ रही है?
यस सर। अब हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए कमांड क्या है? जावा और सैंपल। देखो जावा सैंपल जैसे मैंने लिखा, इसने हेलो प्रिंट करवा दिया। दिखा दे रही है आउटपुट सबको। यस सर। यस सर। तो प्रोग्राम कैसे लिखोगे, कैसे रन करोगे, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। फाइनल ईयर वालों का प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन पता फिर भी होना चाहिए कि भाई प्रोग्राम कैसे लिखना है, कैसे सेव करोगे। जिसके पास अपने पास घर पे सिस्टम है वो कर भी सकता है प्रैक्टिस, और डाउट आए तो पूछ लेना। ओके सर। सेकंड ईयर वालों की आपकी लैब है, और लैब हो सकता है थोड़े दिन ना लगे, तो अपने घर पे करना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पब्लिक का मतलब है कि भाई जब आप स्टार्टिंग में इसको रन कर रहे हो, अगर आपने यहाँ प्राइवेट लिख दिया तो आप आउटसाइड से इसको रन नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें इसको पब्लिक रखना पड़ा है। और स्टैटिक का मतलब है कि भाई शुरू में जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आप कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली उसको कॉल कर रहे हो, है ना? तो इसलिए आपने स्टैटिक लिखा है यहाँ पर। वॉइड इसका मतलब कुछ, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। स्ट्रिंग इसलिए लिखा आपने क्योंकि मेन इनपुट में स्ट्रिंग लेता है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये भी बता चुका हूँ, सिस्टम आपकी क्लास है और आउट उसका ऑब्जेक्ट है सिस्टम क्लास में, और प्रिंट एलन एक मेथड डिफाइंड है सिस्टम क्लास के अंदर। सबको क्लियर है पहला प्रोग्राम? यस सर। चलो इसमें थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि भी हम दो नंबर ले लेते हैं, नंबर 1 इक्वल टू 5 4, और नंबर 2 मान लेते हैं कि ये ले लिया हमने 10। हमने देखना कि भी इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो इफ कंडीशन लगाऊंगे, इफ नम ग्रेटर देन नम टू, तो मैं प्रिंट करवा दूंगा नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, ठीक है? अदरवाइज मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करवाऊंगा नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, ठीक है? मैं इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ देखो मैं इस क्लास को डिलीट कर देता हूँ, सैंपल डॉट क्लास जो क्रिएट हुई थी आपको दोबारा दिखाने के लिए। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करूंगा, जैसे ही मैं कंपाइल करता हूँ देखो यहाँ पर दोबारा एक डॉट क्लास क्रिएट हो गई, यही आपका बाइट कोड है बेसिकली, है ना? अब इसको रन करो, जावा सैंपल इस नाम से इसको रन कर दो। देखो इसने मैसेज प्रिंट करवाया मुझे, नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। लॉजिक सिंपल है, आपको पहले भी इस टाइप की चीजें बहुत सारी करी हुई है। हमने दो नंबर लिए, नंबर 1 4 है, नंबर 2 10 है। हमने कंपेयर किया है कि भी नंबर 1 अगर ग्रेटर है नंबर 2 से तो मैसेज प्रिंट कराओ कि नंबर 1 ग्रेटर है, अदरवाइज प्रिंट करवा दो नंबर 2 ग्रेटर है ना? और इसने हमें आउटपुट दी है नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। नंबर 2 10 है, नंबर 1 4 है आपका, एल्स पार्ट में जाएगा ये, और ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर।
किसी को डाउट हो तो पूछो। आप भी क्लास में जब प्रोग्राम बनाओगे थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाने हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये नहीं कि भाई एक ही लाइन में लिख दिया, प्रॉपर लिखो। फर्स्ट टाइम नहीं बोल रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ ये बात। चलो किसी को डाउट नहीं है, बाकी परसों करेंगे, कल की छुट्टी है कॉलेज की, ठीक है? ओके सर।